सत श्रीकाल जी, मेरा नाम विपुल उज्वल है और मैं स्टेट कोविड कंट्रोल रूम का मैंबर हाँ। मैं थोड़े सामने रोजाना दी जाने वाली जानकारी साझी करने वास्ते हाजिर हाँ, जिसका आज 31वां दिन है। हुण तक कोरोना वायरस ने विश्व भर में 25,79,700 लोगों को संक्रमित किया है, 1,79,047 लोगों का मौत का कारण बनया। भारत में इसने लगभग 20,471 लोगों संक्रमित किया है, जिसके 652 मौत शामिल हैं। चंगी गल यह है कि 4,000 तो वध लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिहड़े कि पूरे विश्व भर में बीमारी तो ठीक होने की एक बहुत ही चंगी रेशो है। सरकार ने दोहराया है कि कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉटा विचों किसी भी उद्योगिक सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि होर खेतरां विच उद्योगिक इकाई नूं सरकार दे दिशा निर्देशों अनुसार काम करन दी इजाजत दी जाएगी। सरकार ने कर्फ्यू का समा मुकण तो बाद कर्फ्यू दीआं पाबंदां नूं हौली हौली अते योजनाबद्ध ढंग नाल किस तरह हटाउणा है, इस बारे अपनी रणनीति ते काम करना शुरू कर दिता है। इस मामले लई सरकार ने जमीनी स्थिति जांच करन अते योजना बना के पेश करन लई एक टास्क फोर्स भी बना दिती है। कोरोना दौरान चल रहे कर्फ्यू अते एकांतवास अते अकेलापन विच रहण कारण लोगों च काफ़ी मानसिक तनाव लोगों को महसूस हो रहा है, जिन्हों नजिठण लिए सरकार वालों एक काउंसलिंग हेल्पलाइन इस्टैबलिश की गई स्थापित की गई है, जिसका नंबर है 1800184104। इतने तुम कॉल कर सकते हो और जोड़े प्रोफेसनल माहिर काउंसलर्स हैं उन्होंने गल करके अपने जोड़े मानसिक तनाव के बारे तुम गलबात कर सकते हो। इस वायरस के फैलन रोकने पंजाब सरकार शकी मामले के नमूने की जाँच कर रही है और इस संबंध में राज्य ने टैसट लिए कुल 78 से 83 नमूने भेजे हैं, जिन्हों 7100 नमूनों की जांच नेगेटिव पाई गई है। हालांकि हूँ तक कुल 257 नमूने पॉजिटिव पाए गए, कल तक एक आंकड़ा 251 का सी। बदकिस्मती नाल हूँ तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और तसलीबख्श गल यह है कि सूबे में 53 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अज कोई भी नवा मौत का मामला सामने नहीं आया। अज धरती दिवस है और इस मौके पर पंजाब सरकार कोविड संकट के बावजूद धरती के वातावरण को बेहतर बनाने लिए अपनी वचनबद्धता दोहराती है। इस संबंध में सरकार ने 21,000 वन मित्रों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। ये वन मित्र श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब मौके पर राजभर में लगाए 73 लाख बूटियां की राखी लिए लगाए जाएंगे। सानू कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तो कई सवाल मिल रहे हैं और कल की तरह असी उन्होंने कुछ सवालों का जवाब देने की आज कोशिश करांगे। आज एक सवाल साढ़े सामने जिहड़ा बार बार पूछा गया कई थावां तो वह ये सीगा कि जिहड़े कोविड के मरीज जो अपनी मर्जी नाल प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना इलाज करवाना चाहते हैं उन्होंने बारे सरकार का की स्टेटस है ते सरकार की हिदायत है। सब तो पहला असीं दसना चाहते हैं कि असी साढ़े जिहड़े सरकारी हस्पताल ने वो कोविड मरीजों की इलाज लई पूरी तरह समर्थन साढ़े कोल सारी सुविधावां उपलब्ध हैं। फिर भी जेकर कोई अपनी मर्जी नाल प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना इलाज करवाना चाहता है तो उस इलाज के बनते खर्चे का भुगतान उन्हें खुद ने करना पैना है। इतने ये भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड के मरीजों तो जो पैसा लेना उन्हें उन्होंने चार्ज करना भुगतान करवाना वो CGHS जी NCR की रेटा है उन्होंने वो उन्होंने चार्ज नहीं कर सकता और आम लोगों को यह भी दसा जाता है कि वो जी CGHS रेटा है वो वैबसाइट है साड़ी नोट कर सकते हैं CGHS.gov.in पर जाके वो साड़ी रेटा की जानकारी उत्थों तो ले सकते हैं। इस तो अलावा बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा है कि चमड़ी से एल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव करना कि कोरोना वायरस को मार सकता है, इसका जवाब है ना। एल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव करना चमड़ी लिए नुकसानदेह, अपने आप को कोरोना वायरस तो मुक्त रखने साबण या पानी या एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर की वरतों करो। इतने ध्यान रखना है कि जो एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर है उत्ते एल्कोहल का जो कंटेंट है वो 70% या उसको वध होना चाहिए। एक सवाल यह आया कि विटामिन सी की वाधू वरतों कोरोना वायरस के इलाज में मदद कर सकती है। असी सारे ये दसना चाहते हैं कि विटामिन सी कोरोना वायरस का इलाज नहीं करता है, विटामिन सी की वरतों से तुहाडी जिहड़ी इम्यूनिटी है तुहाडी जिहड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह वधदी है, बट इतने ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वाधू विटामिन सी की भी वरतों कोई चंगी गल नहीं। कि कोरोना वायरस केवल कुछ घंटिया लिए जिंदा रह सकता, कोरोना वायरस कुछ घंटिया तो लेके कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, ये डिपेंड करता है उस वेले चारों पासे जिहड़ी एनवायरमेंट कंडीशन है वातावरण की परिस्थितियां हैं अते किहड़ी सतह ते वो वायरस है। जिवें वक्री वक्री सतह है तो उन्होंने वायरस के जिंदे रहने की जिहड़ी टाइम है वह वक्रा वक्रा है। अंत विच
ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।